Pakistan demands an international investigation into India's crimes in occupied Kashmir. India frequently violates the ceasefire along the line of control in Kashmir. No one desires peace in Afghanistan more than Pakistan. In a country that has suffered more than most at the hands of terrorists. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। वज़ीर पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी जिस वक्त यूएन जनरल असेंबली के इजलास में मसला कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर आलमी जमीर को झंझोड़ रहे थे, ऐन उसी वक्त भारतीय अफवाज वर्किंग बाउंड्री पर गोलाबारी कर रही थी और 6 शहरी शहीद। न्यूयॉर्क में क्याम के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स में मुख्तलिफ इशूज पर पाकिस्तान का मौकफ दुनिया के सामने जब रखते रहे, ऐन उसी वक्त जनीवा में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर इकट्ठे हुए, पाकिस्तान के खिलाफ सेमिनार हुए, अकलियतों और बलूचिस्तान के नाम पर वहां पर मुजाहरे भी हुए, सेमिनार भी हुए और पोस्टर भी लगे रहे। बलूचिस्तान के हवाले से आज एक नई डेवलपमेंट हुई। कौम परस्त रहनुमा मीर मरी आज सुबह क्वेटा पहुंचे, क्या उनकी आमद बलूचिस्तान के हतमी मसले के हल में एक नई किरण हो सकती है? ये आज के हमारे मौजूदात हैं, हम अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में इस्लामाबाद में आए हुए क्वेटा के चंद सीनियर से भी हमने बात की है, वो भी आपको दिखाएंगे। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, दिफाई तजिया निगार हैं, साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी यूनिवर्सिटी की हेड हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद रिटायर्ड साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर मारिया साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान की तरफ से एक मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर के लिए नुमाइंदा खसूस किया जाए, ये मुतालबा पूरा होगा? देखें, अगर तो हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो बुनियादी इस वक्त ताकत है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है उसको मुंतकिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये मुतालबा पूरा हो सकता है, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना। लेकिन वो तो अब आर्टिकल 35A को अमेंड करना चाह रहे हैं, वो तो आईनी और कानूनी तौर पर इस मसले को ही खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर वो कानूनी तौर के ऊपर ये काम करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का इसके ऊपर बिला जाब्ता तौर के ऊपर सिर्फ वाहिद जो है क्लेम नहीं है। कश्मीर जो है एक दो तरफा मसला रहा है, अलग-अलग मसला रहा है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कभी भी, चाहे पॉलिसी में तब्दीली आई है या नहीं आई है, आपने कभी भी अपना जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर उसमें कभी कोई बुनियादी तब्दीली नहीं लेके आए हैं। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर जो है एक आजाद हैसियत, एक रियासती आजाद स्पेशल स्टेटस है इंग्लिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इस बात की वजाहत करता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो चाहते हैं कि जो हिंदू राइट विंग है यानी कि जो इंतहा पसंद है उनको वहां किसी तरह दोबारा किया जा सके, ना सिर्फ आबाद किया जा सके बल्कि उनको पास वो मराठ हासिल हो। दूसरा मसला नहीं, ये एक है। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि वहां बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की जा सके, ताकि उस डेवलपमेंट के तहत वो ये कह सकें कि अब यहाँ रियासती दहशत गर्दी नहीं हो रही लेकिन हम तो यहाँ तरक्की के लिए आए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जाहिर है कुछ देने पड़ेंगे और आप राइट्स तभी दे सकते हैं अगर वहां वो जमीन खरीद सकते हैं। तो इस आर्टिकल के पीछे सिर्फ और सिर्फ मसला एक डेमोग्राफिक आबादी का तनासब तब्दील करना नहीं, नहीं है बल्कि अपनी रिट को ज्यादा मजबूत करना और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स को वहां पर। ये साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान हिना रबानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनकी राय लेते हैं। खर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए मुल्क के मखसूस हालात में शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान न्यूयॉर्क में बातें करते रहे, पाकिस्तान का मौकफ पेश किया उन्होंने, लेकिन दुनिया में सबको मालूम है कि पाकिस्तान में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ताकत का महवर नहीं है,
ताकत कहीं और है। तो जो उन्होंने मुतालबात किए, जो बातें की, दुनिया वाकई ड्यू वेटेज देगी उनकी बातों को? देखिए, यकीनन ये जो हमारे मुल्क में इंटरनल इन सम वेज पॉलिटिकल स्ट्राइफ रहती है, उसका एक बहुत गहरा असर रहता है। बिकॉज जब आपकी हुकूमत के अंदर ही दरारें हो और हुकूमत के साबिक वजीरे दाखला, जो कि अभी भी उनके एक अहम मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो ही अपने वजीर आजम और अपने वजीर खारजा को रिडिक्यूल कर रहे हों और कह रहे हों कि वो तमाशा मचा रहे हैं पाकिस्तान को पूरे दुनिया में, तो ये आवाजें सारी, आजकल मीडिया का दौर है, ये एक आवाज की गूंज बहुत दूर दूर तक होती है। तो ऑब्वियसली जब हुकूमत के अंदर ही ये दरारें हैं तो बाहर के लोग तो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। वजीर आजम पाकिस्तान ने ये भी मुतालबा किया के सामने अपनी तकरीर में के अक्वामे मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर मिशन ब्राय इंडिया और पाकिस्तान, इसको एक्सपेंड किया जाए, इसको एम्पावर किया जाए। एक तरफ तो भारत मसलसल गोलाबारी कर रहा है, गुज़श्ता 24 घंटे में 6 मासूम शहरी शहीद हो गए, 26 के करीब जख्मी कर दिए गए, 100 बार से ज्यादा इस साल में ये सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हुई। क्या हम ऑब्जर्वर मिशन को स्ट्रेंथन करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि इंडिया कहता है कि इसका तो कोई किरदार ही नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। एक बात कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के मुतालिक, अगर आप कहें एक जुमला मैं कहना चाहूंगा सर प्लीज। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये ताजा हवा का खुशगवार झोंका है। जो कुछ पाकिस्तानी अवाम चाहते थे कि वहां पे बात की जाए, वो हर बात उन्होंने वहां कश्मीर की बात की है, स्टेट टेररिज्म की बात की है, कश्मीरियों पर जो जुल्म है उनकी बात की है, अफगानिस्तान से जो इंडिया उधर से हमला कर रहा है उसकी बात की है, और बल्कि यहाँ तक अमेरिका के मुतालिक भी उन्होंने ये कह दिया है कि लोग अपनी फेलियर जो है वो हमारे कंधों पर डालने की कोशिश ना करें। ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने मुतालबा सही किया, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि चूंकि अभी इंडो यूएस कोलेबोरेशन है और उसमें साफ ज़्यादा पोलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोलेबोरेशन भी होगी, तो इस किस्म के किसी काम होने का इम्कान नहीं है। ना तो कोई इधर आएगा और ना ही कोई ये जो यूएन का ऑब्जर्वर ग्रुप है, ना इसमें कोई एक्सपेंशन होगी। लेकिन वजीर स्पीच में एक नुक्ता और भी था कि भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्वस है, वॉर क्राइम्स कर रहा है और इसकी आलमी सतह पर तहकीकात होना चाहिए। यह भी ने मुतालबा किया है अक्वामे आलम से, अक्वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होके। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, ना तो भारत का ये रवैया इस किस्म का पहली दफ़ा सामने आया है, ना ही ये है कि पाकिस्तान ने ये पहली दफ़ा ये पॉइंट लेकर गए हैं यूएन में। ऑल्दो ये मैं मानता हूँ कि पिछले 5-6-7 साल में पहली दफ़ा गया है, अगर इस पर कोई रिएक्शन हो जाए, लेकिन बात ये है ना, अब अच्छी तरह समझते हैं जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि दुनिया जो है ये कोई जस्टिस के असूलों पर नहीं चलती, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि हम दुनिया के जो अवाम है, हुकूमतों से ज्यादा अवाम को बावर करवाएं, उनको अवे कि भी ये क्या हो रहा है कश्मीर में, आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। अभी मेरा ख्याल हम उस नहज पर नहीं पहुंचे जहां पर हम हिंदुस्तान के प्रोपोगंडे का मौसर जवाब सिर्फ इस तकरीर से नहीं दिया जा सकता, और बहुत और... शुरुआत अच्छी है। देखिए मेरे ख्याल से दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये कि आपकी खारजा पॉलिसी में बड़ी अहम शिफ्ट आया है, क्योंकि उससे पहले आप सिर्फ बात करते थे कि जी कश्मीर का हल बैन अक्वामी अक्वामे मुत्तहिदा की जो एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन है उनके तहत किया जाए। आपने इस वक्त बैन अक्वामी सतह पर तब्दीली आई है जिसमें जंगी जराइम में अगर कोई भी उसका मुर्तकिब है तो आप इंटरनेशनल लॉ के तहत, इंटरनेशनल मैकेनिज्म के तहत उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन मांग सकते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से आपने बात की, अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने वही जनरल असेंबली के सेशन में कहा कि पाकिस्तान को हमारे साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना चाहिए, यानी जामे मुदाकरात करना चाहिए। अफगानिस्तान हमसे जामे मुदाकरात करना चाह रहा है, हम बार बार कहते हैं कि भारत हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करे, तो ये फिर खिता किधर जा रहा है आपकी नजर में? देखिए अगर आपके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा और आप एक रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी रखेंगे जो कि इस हुकूमत ने रखी है, तो आप यही करते रहेंगे कि कोई कुछ सवाल उठाते तो शायद आप उसका जवाब देना, वो भी आप बहुत अच्छी तरह नहीं करें। देखें
आप कंपेयर करें इसको हमारे दौर में जब सिमत हमारी वाजे थी और डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम लोग एक ही तरफ चलते थे। अगर कारजाई साहब हमें गालियां भी देते थे तो हम उनके ऊपर फूल बरसाते थे, क्योंकि हमें पता था कि अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात स्ट्रेंथन करना ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दफा है और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट स्ट्रेटेजिक डेप्थ को जो कि बहुत बुरे अंदाज में पेश की जाती है समझा जाता है, जबकि असल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट ये है कि अफगानिस्तान के अंदर से आवाजें आ रहे हों कि पाकिस्तान हमारे लिए फोर्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी है, बजाय इसके कि आप बार बार ये कह रहे हो जी हमने रोल प्ले करना है हमने रोल प्ले करना है। सो पाकिस्तान पहले ही मुश्किल जगह पे था पिछले 10 साल से। आई थिंक अफगानिस्तान की इन्वेजन हुई या अफगानिस्तान में जो एफर्ट हुई एक इंटरनेशनल कोलिशन हुई उसके बाद से पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजरता रहा है फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी प्लान। जो इस हुकूमत की खसूसियत रही है वो ये है कि हैव बीन लाइक अ रडरलेस शिप, इनका किसी किस्म की सिम्त इन्होंने नहीं चूज की, कोई डायरेक्शन नहीं चूज किया, रीजन के अंदर इन्होंने दुश्मनियां फैलाई हैं, इन्होंने एक मिलिटरिस्टिक, अगर मैं इसको कहूं कि एक मिलिटरिस्टिक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रखी है तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा, बिल्कुल एंड दुरुस्त होगा। जनरल साहब, वजीर आजम पाकिस्तान की स्पीच आप वेलकम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से आपने बात की, अमरीका के हवाले से बात की, वजीर आजम ने कहा कि अफगान जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं लड़ने देंगे। हम तो कब से इस जंग का हिस्सा हैं, हम तो एक्स चुके हैं कि हम तो जंग का हिस्सा हैं, हम तो 80s में लड़े, फिर जब 9/11 हुआ फिर लड़े। जी आप सही कह रहे हैं, बात यह है कि मेरा ख्याल यह है कि वजीर आजम, मेरा अंदाजा है, ये मैं सही एक हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि वजीर आजम शायद समझ गए हैं कि अमरीका कह कह रहा है और हकीकत में चाह कह रहा है। मैं हमेशा से ये अपना तजिया पेश करता रहा हूँ कि अगर आप अमेरिका के तमाम ये देखें रिकॉर्ड जो कि अफगानिस्तान में के बाद है, अमेरिका इस खित्ते में अमन नहीं चाहता, और अगर वो अमन चाहता है वो अफगान तालिबान के बगैर चाहता है, इसका मुमकिन वो नामुमकिन है। अमेरिका इस खित्ते को थोड़ा सा टर्मोइल में रखना चाहता है, थोड़ा सा अनईजी पीस में रखना चाहता है, किसी की नाहली या किसी की नाकामी के लिए हम स्केप गोट नहीं बनेंगे, हम कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। दूसरा जो आपने बात की है कि हम अफगानिस्तान की जंग यहाँ नहीं लड़ेंगे, जिसका ये मतलब है कि अगर इस किस्म की कोई हमारी कार्रवाई की गई तो उसका फिर हम कोई सद्देबाब करेंगे, करेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जनरल साहब आपने, और से हट के बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है नाजरीन, और वही अकवाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे दी है, और पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। जो कुछ जनीवा में होता रहा, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के हक में मुदायरे किए, लेकिन पाकिस्तान के कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट वहां पाकिस्तान के खिलाफ मुदायरे करते रहे, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक नाजरीन। आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के न्यूयॉर्क इजलास और जनीवा में होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहिबा, खान ऑफ कलात वहाँ पहुँचे, मेहरान बलोच वहाँ पहुँचे, शाहनवाज भुगटी वहाँ पहुँचे, मुनीर मेंगल वहाँ पहुँचे, सिंधी कौम परस्त लाखू लोहानो वहाँ पहुँचे, एम के एम के लोग वहाँ पहुँचे। एक तरफ तो कश्मीरी पाकिस्तान के हक में मुदायरे कर रहे थे, ये लोग पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडे में थे, ये वहाँ पोस्टर लगा रहे थे, इवेंट्स कर रहे थे, सेमिनार्स कर रहे थे, ये क्या कहें हम इसको? हम इसको यही कहें कि जो लोग जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं तो बड़ी वाज़े तरीके से वहाँ मौजूद हैं। आपने जितने लोगों का नाम लिया उन सब के ताने बाने पाकिस्तान से बाहर मिलते हैं। आपने सिंधी कांग्रेस, सिंधी कांग्रेस की बात की, ये सिर्फ सिंधी कांग्रेस नहीं है, इसके साथ साथ एक बलूचिस्तान यूथ कांग्रेस है जो इस वक्त स्वीडन में एक हुकूमत बलूचिस्तान है, बलोच रिपब्लिकन पार्टी वहाँ एक्टिव थी। एक आपके पास है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो इस वक्त इसराइल में मौजूद है। इसके अलावा अमरीका के अंदर दो बलोच यूथ कांग्रेसेस हैं जो की गई हैं, और सबसे अहम बात यह कि ये यूथ कांग्रेसेस, इनका ज्यादातर दारोमदार इंटरनेट सोशल मीडिया और क्योंकि आप भी बलोचिस्तान से हैं, मैं एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं। जनरल साहब आपके पास आऊंगा, अक्वामे मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास जनीवा में हुआ, ये सब जो पाकिस्तान मुखालिफ एलिम पहुंचे, इन्होंने जनरल डिबेट में 5 इंटरवेंशन की, 5 साइड लाइन पर इन्होंने इवेंट्स किए।
ने मुजाहरे किए, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये हमारे लिए एक जस्ट एक एक्टिविटी है, एक नॉर्मल फिनोमिनन है, या हमें इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए? ये पाकिस्तानी के नाते वहां बाहर मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, शर्मिंदगी का सामा पैदा करते हैं। ये जैसे हुआ वो तो मेरे ख्याल डॉक्टर साहिबा ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दिया है कि ये 5-6-7 लोग दुश्मनों का पैसा और दुश्मनों की मावनत उससे, और आजकल आपको पता काम हो जाता है, लेकिन इसमें एक हमारी कोताही है जरूर, और वो मैं इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक दफा नहीं, वो तीन मौकों पर हुआ है। जब ट्रंप ने इस इलाके के बारे में पॉलिसी का ऐलान करना था तो हमें चाहिए था कि हम प्रीएम्प्ट करते बजाय इसके कि रिएक्ट करें बाद में, हम पहले हाई लेवल डेलीगेट जाते और जाके उनको ब्रीफ करते कि सिचुएशन क्या है। वन साइडेड ब्रीफिंग हो रही थी और इधर से कोई प्रीएम्प्शन नहीं थी। उसके बाद ब्रिक्स का जब ऐलानिया आया तो एकदम हम सरप्राइज हो गए, ये क्या हो गया? वो इसलिए हो गया कि वहां पर हिंदुस्तान उस पर काम कर रहा था और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, भाई आप थे, आप चीन जाते हैं, उनको बताते हैं कि इस किस्म का कोई बात नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो किसी को तो अंदाजा होना चाहिए था ना यार, अगर किसी की तो जिम्मेदारी है कि ये काम होने वाला है, तो उससे पहले अगर उनके तीन बंदे खड़े हो सकते थे तो 5 आपके भी खड़े हो सकते थे, ऐसी कौन सी बात है? आखिर है तो सारा ये आर्टिफिशियल काम, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप खुद बलूचिस्तान से हैं, टोब से हैं, आज मीर गैजन मरी वापस पहुंचे हैं। एक पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत पहले शुरू हुआ था, पीपल्स पार्टी ने आगाज़ हकूक बलूचिस्तान का स्लोगन भी दिया, पैकेज भी दिया, फिर साबिक आला डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब मिलते भी रहे ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस से इनको वापस लाया जा सके। क्या मीर गैजन मरी का वापस आना एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखिए, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो हर वक्त आपके पास मौजूद होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सचमुच अपने आप को उस जगह पे, उस खत्ते के अंदर देखें, अपना मुस्तकबिल देखें। अगर आप ये समझते हैं कि आपका मुस्तकबिल यूरोप में है, फिर जाहिर है आपकी वापसी या ना वापसी कोई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि बैन अक्वामी ताकतें इतनी मजबूत नहीं हो जाती कि वो जगह बना सकें। हिना रबानी खार साहिबा, मैं आपकी राय लूँगा। पाकिस्तान और भारत की आपस में राइवलरी चल रही है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। हमने देखा न्यूयॉर्क में भी मुजाहरे हुए, स्विट्जरलैंड में भी मुजाहरे हुए, तो क्या अब मैं ये समझूं कि आइंदा हफ्तों, दिनों, महीनों, सालों में पाकिस्तान और भारत की प्रॉक्सी ये ब्रसल्स, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड हो जाएगी? देखिए, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, हमारे दो मुल्क इतने अक्लमंद मुल्क हैं, इनके जो पॉलिसी मेकर हैं फिलहाल इस वक्त दोनों मुल्कों में, कि वो हमने जितना पास्ट में हिस्ट्री से जो हमें लेसन सीखने चाहिए थे कि एक दूसरे को तबाह करने में हमारी एक दूसरे की बर्बादी में हमारी ना ही हमारी बका है ना ही हमारी प्रोग्रेस है, ये है एक लेसन 47 से पाकिस्तान और इंडिया दोनों को सीख जाना चाहिए था कि हम इकट्ठे एक खत्ते में अपनी रियालिटी को एक्सेप्ट करके, अपनी जियोग्राफिकल रियलिटी अपनी भी और दूसरे की को भी एक्सेप्ट करके अगर आगे चलें, जैसे पूरी दुनिया में लोग चलते हैं, यूरोपियन यूनियन में ट्रेड भी होता है, मुज़ाकरात भी होते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट भी रहते हैं, इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट भी रहते हैं, तो पूरे खित्ते के लिए और हमारे मुल्क के लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन इवेंचुअली तो एक हुकूमत हो या एक स्टेट हो, उसकी जिम्मेवारी उसके आम तरीन इंसान है। इन दोनों मुल्कों ने अपने आम तरीन इंसान की कॉस्ट पे अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिफाइन भी किए हैं और अचीव करने की कोशिश, और इसीलिए इस खित्ते में गुर्बत की कमी आपको नहीं नजर आती, बल्कि पूरे दुनिया में सारे अफ्रीका के साथ साथ हम सबसे आगे हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्वेटा से लीडिंग इदारों के साथ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता लीडिंग जर्नलिस्ट यहाँ इस्लामाबाद में आए हुए हैं, हमने उनसे बात की है, के बाद हम वो बातचीत आपको सुनाएंगे। स्टे विद अस। जी हाँ, हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में आए थे, बलूचिस्तान की ये जर्नलिस्ट सूबाई असेंबली की कवरेज करते हैं और पाकिस्तान के मेन मीडिया आउटलेट से इनका ताल्लुक है। नदीम कौसर साहब जियो टेलीविजन के लिए काम करते हैं और
यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनके साथ फरीदुल्ला खान साहब मौजूद हैं, दुनिया टेलीविजन के लिए काम करते हैं, मंजूर अहमद साहब एआरवाई टीवी के लिए काम करते हैं। नदीम कौसर साहब, आजकल यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में जनीवा के हवाले से खबरें हैं और उसमें फिर कॉन्टेक्स्ट बलूचिस्तान है कि बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी और खान और दीगर लोग वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ सेमिनार में या पोस्टर लगाने में सरगर्म है, बलूचिस्तान के अंदर क्या फीलिंग पाई जा रही है? जी, इस हवाले से जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उनमें खासतौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला जो हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने फौरी तौर पर इस पर रिएक्ट किया और इनकी जो जो है उसकी मजम्मत की गई है। इसी हवाले से बलूचिस्तान असम्बली में भी एक रेजोल्यूशन लाई जाने का इम्कान है, जो जो सूबाई वज़रा हैं वो पेश करेंगे और वो इसमें जो ये जेनेवा में हो रहा है उसकी वो उसकी जो है वो मजम्मत करेंगे। फरीदुल्ला खान साहब, मुख्तलिफ लॉबीज जब इकट्ठी इस तरह की एक्टिविटी करती हैं जैसे जनीवा में, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी और मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनती हैं। आपके ख्याल में ये क्या फीलिंग्स हैं बलूचिस्तान के अंदर से इन आवाज़ों के रिएक्शन आवाज आ रही है? जी, अगर हम बात करें इस हवाले से जो सूरत हाल, आप जैसे एनडीएस की बात की, हम पड़ोसी जो ममालिक हैं पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, असल वजह इसकी जो है ये सीपैक है, सीपैक बन रहा है, एक नई राय खुल रही है बलूचिस्तान और ख़ास पाकिस्तान के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान लोगों की तरक्की आएगी और जो हमारे हमसाया ममालिक जो वो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, बलूचिस्तान के लोग खुशहाल, वो ऐसी जो है साजिशें कर रहे हैं और एक बड़ी एक लॉबिंग हुई हुई है, पूरी दुनिया में लॉबिंग हुई, वो नहीं चाह रहे की चीज़, इसलिए इनके दरमियान में हड़ल पैदा करने के लिए जो वो ये तमाम साजिशें कर रहे हैं और मिल के कर रहे हैं। इसमें दूर के लोग भी नहीं, अपने बिल्कुल हमारे करीब के लोग हैं लामाला, इसमें गवर्नमेंट भी इनके जो रही अपना तमाम के सी पैक को करने के लिए, खासकर हमारे पाक आर्मी बड़ा अच्छा रोल इसमें अदा कर रही है, तमाम प्रोटेक्शन जितने मनसूबे उनको प्रोटेक्शन दे रही है और लोग खासे खुश हैं कि जब तरक्की होगी तो खुशहाली आएगी। तासर ये है अवाम तक कि खुशहाली आनी चाहिए, तरक्की आनी चाहिए। मंजूर साहब, आपकी तरफ आऊंगा, मैं जनरल क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बलूचिस्तान के हालात माजी में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे, फिर पॉलिटिकल कोशिशें भी जारी रहीं, लॉ इन्फोर्समेंट की कोशिशें भी जारी रहीं। जनरल नासिर जंजुआ साहब बड़ा अच्छा किरदार उन्होंने अदा, जूदा सदरन कमांडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालात बेहतरी की तरफ आपको नजर आते हैं या ऊपर ऊपर सही हैं और नीचे नीचे अभी भी कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से जनीवा में या कहीं और जाके आवाज़ें उठती हैं? हालात इस वक्त बेहतर हैं माजी की नस्बत, अगर कंपेयर करते हैं हम माजी से बेहतर हैं। जो तादाद होती थी वाकयात की उनमें कमी आई है, जो स्टैटिस्टिक्स सामने आते थे साल के आखिर में हम देखते हैं, लेकिन अब उनमें कमी आ गई। इस हद तक तो हालात बेहतर हैं, लेकिन ये वाकई एक सतही किस्म के हालात हैं क्योंकि इसमें दो किस्म के एफर्ट्स हैं। मैं समझता हूँ जो सियासी एफर्ट्स हैं उनमें कुछ कमी है, उनमें कुछ कमजोरियां हैं। आप काउंटर करते हैं हालात को, आप मसलन क्या वीकनेसेस हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं? मतलब पॉलिटिकल सतह पर आपने डायलॉग करने होते हैं, जो लोग नाराज हैं सूबे से बाहर हैं उनको मेन लाने के लिए मुजाकरात आपको करने पड़ते हैं, जिन पे बातें भी हुई कि हम उन्हें वापस लेके आएंगे। इस हवाले से साबका जो वजीर आला थे इसी दौर के डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मालिक बलोच साहब, उन्होंने भी ये बातें कही। उसके बाद वो तो खान अफकलात से मिले भी थे जाके बाहर कहीं। जी, वो मुलाकातें भी हुई, मैं वही कह रहा हूँ। जो मौजूदा वजीर आला है इन्होंने हल्फ लेने से पहले उन्होंने भी मुलाकातें की, लेकिन हमें कुछ नतज सामने नहीं आया उसके, कोई आउट मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया हमें। तो उस सतह पे मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उन इन मामला को एड्रेस करने का, उसमें कुछ कमजोरी है और स्लो जा रहा है वो सारा प्रोसेस। इस चीज का अदराक सूबाई असेंबली के अरकान या पॉलिटिकल पार्टीज की हद तक कितना है कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव लैक कर रहा है, इसको ज्यादा विग्रेस होना चाहिए, ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज का अदराक भी है या नहीं सोचा जाता? नहीं, असेंबली में हम मुख्तलिफ अवकात में देखते हैं किस चीज़ पे बात होती है और मुख्तलिफ अरकान राय रखते हैं कि उनके साथ बात की जाए, उनको वापस लाया जाए, और उस हवाले से कुछ ये भी है कि उनसे बात ही ना की जाए। ये बातें हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये बातें करते हैं, इस हवाले से उनकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन ये एक मजबूत राय है कि उनसे बात हो और बातचीत के जरिए तमाम बातचीत के जरिए ये विलिंगनेस है वहाँ पर। नदीम कौसर साहब,
साजिशें तो हो रही हैं, फरीदुल्ला खान भी कह रहे हैं हालात सही नहीं है जितने सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी साजिशों को काउंटर भी किया गया है। मसलन कुलभूषण यादव एक बड़ा खतरा था, खतरनाक कार्रवाइयां होती नहीं, उसने एतराफी बयान में बलूचिस्तान क्वेटा बलूचिस्तान के दीगर शहर कराची के बारे में एतराफी बयान दिया कि उसका ये काम था, वो नेटवर्क तो तोड़ दिया गया। कुछ वाकयात होंगी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी इफेक्टिव कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन ये जो बाहर का एलिमेंट आ जाता है, बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर नारे लगा देते हैं, वो अक़वामे मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास उसकी साइड लाइन पर, ये पाक मुखालिफ प्रोपोगेंडा शुरू हो गया, क्या ये भी कुलभूषण यादव टाइप कार्रवाइयों का एक सिलसिला होता है कि अंदर तखरीबी कार्रवाइयाँ करें आप यहाँ पर दहशतगर्दी करवाएं और बाहर पाकिस्तान को इस तरह से बदनाम किया जाए? जी ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, जो चूँकि जैसा फरीद साहब ने कहा कि ये सब सी पैक से जुड़ी हुई हैं तमाम बातें, और जब तक ये सी पैक का मंसूबा चल रहा है ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन बहरहाल हुकूमत इस सिलसिले में इकदाम सामने आए हैं कि ये भी गए हैं, और जो है मतलब जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो उनमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन जो है कुछ अरसे बाद कोई ना कोई वाकया हो जाता है। फरीदुल्ला खान, आप खुद सी पैक की बात कर रहे हैं कि सी पैक यकीनन खित्ते के लिए गेम चेंजर, पाकिस्तान के लिए बेपनाह फवायद हैं इसमें, अब तो अक्रॉस द बोर्ड इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है, इससे बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की, बलूचिस्तान के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की तरक्की वो किस हद तक आगे है? क्या ये तो नहीं है कि मुल्क एक तरफ और फिर बलूचिस्तान वही महरूमी की तरफ रह जाए, ये तो फिर बहुत खतरनाक अमल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी सी पैक बन रहा है वाकई खुशहाली की बात है, अवाम भी चाहते हैं खुशहाली हो। इसके देखिए ग्वादर से लेकर जोब तक ये तमाम एक रूट बनना है, तमाम पूरे मुल्क में ये चीज़ जानी है और हो रही है, उसमें अवाम को खदशात हैं कि इसको ना आगे लाया जाए, जो उनकी हकूक हैं जो हमारा हिस्सा बनते हैं, हमारे बलूचिस्तान के लोग मांग लीजिए हमें हिस्सा मिलना चाहिए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनने चाहिए यहाँ पर, बड़े बड़े पोर्ट्स बनने चाहिए, एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, और कारोबार का जो सिलसिला है ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मेन रूट और उसका जो बेस है वो हमारी बलूचिस्तान है, उसके बाद दूसरों सूबों को जो हक है हमने कभी इतराज़ नहीं किया, ना हमारे बलूचिस्तान कोई सियासी लीडर इस चीज़ पर इतराज़ करता है, कोई नेम्ड है, बलूचिस्तान के लोग कभी भी ऐसे हम कहें कि मुहिब वतन नहीं, मुहिब वतन है बाकी सूबों की तरह, वो भी पाकिस्तान को इतना ही चाहते हैं, इतनी तरक्की चाहिए जितने बाकी चाहते हैं, तो लिहाजा इस अमल के लिए हुकूमत और खासकर सियासी क्यादत को आगे बढ़ के पॉजिटिव रोल है, हर एक में आगाही पैदा करनी पड़ेगी, जो एक्टर जो मुल्क के अंदर हैं बॉर्डर पार हैं या बाहर किसी भी मुल्क में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ, उनके साथ डायलॉग किए जाएं सियासी सतह पर, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मसला है जो बातचीत से हल ना हो। नहीं, ये जो एक्टर आपने खुद कहा जो बाहर बैठे हैं, जो जनीवा में पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ सेमिनार कर रहे हैं, इनके बारे में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के आवाम का एक आप आईना है, मैं फिर कहूँगा सहाफत जर्नलिस्ट तो एक आईना होता है अवामी उमंगों का। जी आवाम का आम ख्याल यही है कि हुकूमत इनसे बातचीत करे, क्योंकि एक बातचीत का एक सिलसिला पिछले डॉक्टर अब्दुल मालिक के दौर में चलता रहा है, और अब हो सकता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ये भी इसमें हो, लेकिन किस सतह की इसके बाद अभी सामने नहीं, लेकिन बात होनी चाहिए, जब तक बात नहीं होगी कोई जंग किस तरह नहीं, लाम आला जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो क्यों ये बात कर रहे हैं या पाकिस्तान खिलाफ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं या उन्हें इन्वॉल्व, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, लाम आला किसी न किसी लेवल पर उन्हें इस्तेमाल कर रहे होंगे, इस इस्तेमाल को रोकने के लिए गवर्नमेंट को या हमारी सियासी क्यादत को उस सतह पर जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो सुनने पड़ेंगे, फिर अपने एक राय मत तय करके उन्हें, जब तक एतमाद साजी की जो फिजा है वो कायम होगी तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है। एतमाद साजी की फिजा की बात का भी मंजूर साहब आर्गुमेंट यही था कि डायलॉग पिछली गवर्नमेंट चाहती रही, कुछ मुलाकातें हुई, डायलॉग आगे ना बढ़ा, लेकिन उस डायलॉग के हवाले से कुछ बहुत ज्यादा सोच में तब्दीली तो ना आई, गोलियां पहले भी चलती थी, अब भी गोलियां चलती हैं, अभी पिछले दिनों जिस तरह से एफसी कॉन्वाय को निशाना बनाया गया, बाकी मुल्क में कोई पैगाम अच्छा नहीं आया, खुद जिनके घरों पे करी वो अपनी जगह पे, आम पाकिस्तानी भी सोचता है कि ये क्या होता रहता है, डायलॉग चला, पीपल्स पार्टी का एक बलूचिस्तान तरक्की का एक प्रोजेक्ट भी प्रोग्राम भी आया था, अब फिर जॉब्स के हवाले से भी कुछ बातें होती रहीं, अब जनरल आमिर रियाज बताते खुद एक्टिव हैं, पाकिस्तान का झंडा भी बलूचिस्तान में लग रहा है, जश्न भी होते हैं, लेकिन बुनियाद पर मैं एज अ पाकिस्तानी एक आम शहरी
आपके ख्याल में कब तक इस काबिल होऊंगा कि मैं सोचूं कि जिस तरह इस्लामाबाद पुरमन है, पिंडी पुरमन है, इसी तरह क्वेटा, योब, खुजदार, कलात, मस्तूंग, तुरबत, ग्वादर, लास बेला सब पुरमन है। जी जैसे मैंने पहले कहा कि इसके लिए जो मुजाकरात हैं वही हल है, अतमी हल जो है। आप ताकत के जरिए काउंटर करते हैं, वक्ती तौर पे होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं होते। आप उस सोच को एलिमिनेट करने के लिए आपको मुजाकरात करने होते हैं। तो इस हवाले से इस पर मैं दूसरी बात ये कहूँगा, जैसे कि आपने एड्रेस किया, आम आदमी बेचारा तो सीपैक को स्पेल भी नहीं कर सकता वहाँ पर। हमारी जो शरह तालीम है, इसको मैं क्या समझूं आपकी बात को? आम आदमी इससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड मामला से। नहीं, डिस्कनेक्ट मतलब यानी फायदा नहीं है उसको, या उसको अभी फवायद से आगही नहीं है, या उस जो तरक्की होगी या हो रही है उसमें उसको हिस्सा नहीं मिल रहा। मैं ट्रांसलेट कैसे करूं कि अगर वो स्पेल नहीं कर सकता? हमारी जो शरह ख्वानदगी है, आप लोगों को जब पढ़ाते हैं, जब वो पढ़ा लिखा होता है तो वो फिर समझ सकता है इन चीज़ों को। मैं उस अक्सरियत की बात कर रहा हूँ जो इन मामला से बिल्कुल ला ताल्लुक है। इट डजेंट केयर कि सी पैक बन रहा है, एक सड़क बन रही है, उसके लिए एक सड़क है, वो इन मामला पे इतना नहीं पड़ता। उसके मतलब आप लोगों को तालीम दें, आप तालीम को स्ट्रेंथन करें, वहाँ पर तालीम बढ़ाएँ ताकि लोग उस प्रोसेस को शामिल करें। जब किसी को पता ही नहीं होगा कि सेब का जायका किस तरह है तो वो उसके लिए लपकेगा नहीं, वो उसमें इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगा। नहीं तो आपको इस प्रोसेस, ये प्रोसेस सी पैक से तरक्की का प्रोसेस जिन डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है। कनेक्टिविटी बताते खुद एक तरक्की की अलामत होती है, रोड नेटवर्क्स बताते खुद एक अलामत होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन का बनना बताते खुद एक तरक्की की जमानत होती है। ग्वादर जैसा एक अजीम पोर्ट का मनसूबा मुकम्मल हो जाए, ये डायरेक्शन तो उधर ही जा रही है या नहीं आपके ख्याल में? इस हवाले से अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो उनके सख्त रिजर्वेशन हैं, उसमें हुकूमती जमात शामिल हैं। उनका ये मौकफ है, असम्बली में भी हम ये सुनते हैं, बल्कि करारदादें भी मंजूर हो चुकी हैं कि जो पिक्चर उन्हें दिखाया जा रहा है उस तरह नहीं होगा। मगरबी रूट पे अब तक उनके तहफ़ुज़ात दूर नहीं हुए। यहीं इस्लामाबाद में एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, उसमें जो सिफारिशात सामने आए, जो तजावीज़ सामने आए उस पर अमल नहीं हुआ। ये उनके तहफ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। फिर इसी हवाले से उसी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये एक अहम जो नुक्ता था कि ग्वादर में कानून साजी की जाए और जो उनके ग्वादर के जो लोग हैं उनके तहफ़ुज़ात दूर की जाए, उसमें उसके हवाले से भी एक कमेटी बनी है, वो प्रोसेस भी अब तक स्लो है। तो इस हवाले से जो तहफ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और जो माजी जिस तरह हुआ है, कहा कुछ गया है और हुआ कुछ है, तो उस पर लोग उस माजी के एक्सपीरियंस को रखते हुए सियासी जमातें और जो सिविल सोसाइटी है, जो आपका पढ़ा लिखा तबका है, वो शायद उस हद तक यकीन नहीं करता। लेकिन बहरहाल हकीकत है कि अगर जिस तरह पिक्चर दिखाया जा रहा उस तरह सी पैक बनता है तो बलूचिस्तान को उससे फ़ायदा होगा, वहाँ पर तरक्की होगी और वहाँ का जो नौजवान है उसको रोज़गार भी मिलेगा और उसको मौके भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद ARY टेलीविज़न क्वेटा से, बहुत शुक्रिया फरीदुल्ला खान साहब दुनिया टेलीविज़न क्वेटा से, बहुत शुक्रिया नदीम कौसर साहब जियो टेलीविज़न क्वेटा से। नाज़रीन, ये माशरे का ज़मीर हैं, ये बलूचिस्तान की आवाज़ हैं, ये बलूचिस्तान के आम लोगों का आईना है और इनकी आवाज़ ही बलूचिस्तान के आवाम की आवाज़ है। ये बलूचिस्तान में ही रहते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बताते भी हैं और लिखते भी हैं। हमें भी इनकी इन तजावीज़ से या इस आवाज़ को हमें गौर से सुनना चाहिए क्योंकि मुस्तकबिल सब का इकट्ठा है। बलूचिस्तान का, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का मुस्तकबिल इकट्ठा है। एज अ नेशन ही हमें आगे बढ़ना है और सी पैक ही हमारे एक अच्छे मुस्तकबिल का एक रास्ता है। अपने मेज़बान शौकत पेराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा